के दबंग सलमान खान को लेकर इस वक्त एक ऐसी खबर वायरल हो रही है जिसने चारों तरफ हड़कंप मचा दिया है। फिल्म इंडस्ट्री में फर्जी कास्टिंग एजेंट्स के द्वारा एक्टिंग के प्रति इच्छुक लोगों का ऑडिशन लेने, एक्टिंग का मौका दिए जाने के नाम पर लाखों रुपए ठगने के मामले आए दिन सामने आते हैं और ये धोखाधड़ी के केस अब आम हो गए हैं। लेकिन इस बार इस धोखाधड़ी के केस में सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस फंस गया है। सलमान खान फिल्म्स के नाम पर लोगों को ईमेल भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, इसमें ऑडिशन में आकर सलमान खान की अगली फिल्म टाइगर जिंदा है 3 में काम करने के लिए फोन और ईमेल भी लोगों के पास गए हैं, जिसमें बताया गया है कि एक्टर अंश को सलमान खान की इस फिल्म में लीड विलेन के कैरेक्टर के लिए चुना गया है। हाल ही में फर्जी एक्टिंग का ऑफर क्वींस हैं हम और तन्हाइया जैसे शोज के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता अंश अरोड़ा को भी आया। ये मेल जो अंश के पास आया shruti@salmankhanfilm.com से आया है। अंश ने मुंबई के ओशिवरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। सलमान खान ने इस फैल रही अफवाह को झूठ बताया। उसके बाद अंश ने ईमेल भेजने वाले के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अंश को सलमान खान फिल्म्स का नाम लेकर किसी श्रुति नाम के इंसान ने कास्टिंग के लिए फोन कॉल्स और मैसेजेस किए। इसमें बताया जा रहा था कि टाइगर जिंदा है 3 के लिए अंश को कास्ट किया गया है। बताया गया कि 3 मार्च को सुबह 11 बजे प्रभु देवा ने अंश को मीटिंग और ऑडिशन के लिए बुलाया। बाद में मीटिंग कैंसिल कर दी गई। अंश के वीडियोस फोटोज देखकर उन्हें शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। अंश को यह भी बोला गया कि फिल्म के लिए उनकी ट्रेनिंग अगले महीने से शुरू हो जाएगी। जब इस पूरे जंजाल की खबर सलमान खान को लगी तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा, ना तो मैं और ना ही सलमान खान फिल्म्स किसी की कास्टिंग कर रही है। हमने फ्यूचर में भी इस पर कोई बात नहीं की, ना ही किसी कास्टिंग असिस्टेंट को हायर किया है, तो अफवाहों से सावधान रहें। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।